नमस्ते मेरे प्रिय YouTube फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा रखती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल लाइफ विद सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। आज है संडे और अभी बज गए सुबह का 8:30। में आज 8 बजे उठी फ्रेंड्स। नींद से उठने के बाद मैंने देखा मेरे मम्मी ने खिचड़ी बनाया, पापड़ फ्राई ऑलरेडी बन गया और चावल बिठा दिया भिंडी डाल के मेरी छोटी गुड़िया के लिए, क्योंकि उसको खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज हम सभी मेंबर जाएंगे बाहर, क्योंकि आज बारिश ना थोड़ा सा कम है। 2-3 दिन के अंदर मम्मी पापा भी चले जाएंगे घर कलकत्ता, तो बिल्कुल टाइम बकशर शीडी वगैरह कुछ भी नहीं घूमे। तो मैं सोची आज किधर न किधर तो जाना ही पड़ेगा, इसीलिए खाना कुछ भी नहीं खाया फ्रेंड्स कोई भी, क्योंकि पूजा देना है उसके बाद खाना है। और वो खिचड़ी वगैरह ना सब हम लोग ले लिए, खाना पैक करके पूजा देने के बाद फिर हम लोग पिकनिक जैसा मनाएंगे। तो हम सभी मेंबर निकल गए और अभी का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। जाते जाते आज का मौसम मैं आप सबको दिखा रही हूँ, एक नज़र देख लीजिए फ्रेंड्स। वो जो दूर में पहाड़ दिख रहा है ना फ्रेंड्स, उधर ही है त्र्यंबकेश्वर शिव जी का मंदिर और हम लोग अभी जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर के तरफ। तो जाते जाते इधर का रास्ता का व्यू भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। दोनों तरफ पूरा हरियाली भरा हुआ है और हम लोग जस्ट थोड़ा दूर रह गए त्र्यंबकेश्वर से। अभी हम 2-5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे मंदिर के पास। तो कार पार्किंग हम लोगों का हो गया। जाते जाते ये देखिए कितना बड़ा एक राजस्थानी पैटर्न का बिल्डिंग, मैंने आज तक नहीं देखा, शायद नया बना है, अच्छा लग रहा है ना दिखने में। कार पार्किंग के बाद हम लोग तो चल चल के जा रहे हैं। फिर उधर बहुत सारा बच्चे रहते हैं ना ऐसे भगवान जी का टीका लगाने के लिए, तो हम सभी मेंबर ने टीका लगाया। टीका लगाने के बाद सब कोई बोल रहे दीदी अभी आप सभी लोग जाओ, फिर उसको भी दक्षिणा भी देना पड़ा। दक्षिणा मतलब अपने मन से देना पड़ता है, कोई 50 रुपये 100 रुपये तो पता नहीं फ्रेंड्स मेरा पतिदेव ने कितने दिया, लेकिन देना मतलब अपने मन से देना पड़ता है, कुछ भी दीजिए। और उधर फूल माला नारियल वो सब लेने के लिए भी दीदी लोग बुला रहे। मैं बोली टीका हम लगा लेते हैं, उसके बाद हम फूल माला भी ले लेंगे। तो अभी हम आगे फूल बेलपत्र ये सब लेने के लिए, तो इधर हर पैकेट 20 रुपये करके, तो एक ही पैकेट लिया मैं और मेरी मम्मी पूजा डालेंगे। मुझे लगा तो आज तो संडे है, भीड़ ज़्यादा होगा ही नहीं, मंडे का दिन भीड़ होगा, लेकिन फ्रेंड्स लाइन देखिए एकदम गेट से लाइन शुरू हो गया। सबके हाथ में एक कॉमन चीज़ है छतरी, और अगर बाई चांस किसी के हाथ में छतरी नहीं है तो प्लास्टिक जैसा रेनकोट दिख रहा है ना फ्रेंड्स वो है, उसका कॉस्ट है 20 रुपये। तो हम लोगों ने भी 2 रेनकोट प्लास्टिक जैसा ले लिया, क्योंकि 2 ही छतरी हम लोग लेके गए थे। हम लोग तो इतना दूर आए त्र्यंबकेश्वर फ्रेंड्स, लेकिन नसीब इतना ख़राब है हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि जब लाइन में खड़े थे सब बोल रहे कम से कम हम भगवान दर्शन करने के लिए 8 से 9 घंटा हो ही जाएगा, कम से कम 7 घंटा तो होगा ज़रूर। तो इसकी वजह से हम नहीं दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा मजे बारिश भी हो रहा था, तो ये है गदावरी का उत्पत्ति स्थल। इधर हम दर्शन करने के बाद हम लोग गदावरी का एकदम पास में ये शिव जी का ये मूर्ति, इधर हम पूजा अर्चना किए, फूल माला चढ़ाया, उसके बाद हम निकल गए। और वो देखिए दूर से मैं दिखा रही हूँ त्र्यंबकेश्वर का जो मेन मंदिर है फ्रेंड्स, तो पीछे की तरफ से मेन मंदिर को हम लोग प्रणाम करके उधर से हम लोग निकल गए कार पार्किंग जहाँ है उस तरफ। ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, मैं पीछे साइड से दिखा रही हूँ, देख लीजिए फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हम लोग आ गए चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय के लिए बहुत प्यास लग रहे थे, तो चाय और एक एक करके बिस्किट हम सब ने लिए। तो चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए कार के तरफ, क्योंकि लेट भी बहुत हो रहा है। अगर हो सके तो सोमेश्वर हम लोग जाएंगे, क्योंकि सोमेश्वर में ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है। चाय पीने के बाद हम निकल गए त्र्यंबकेश्वर से, और उधर से निकलने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी वाटरफॉल देखने के लिए। इधर आने के बाद मेरे पतिदेव ने देखा बहुत सारा लोग है इधर वाटरफॉल देखने के लिए, और इधर देखिए भुट्टा का एकदम पूरा मतलब बेचने के लिए कितना अच्छा अच्छा ताज़ा ताज़ा भुट्टा है ना, सब लोग ले रहे। तो मैं बोली जाने के टाइम 2 पीस भुट्टा ले लूँगी, क्योंकि मेरा छोटी गुड़िया खा नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, उसका दांत पूरा हिल रहा है। तो जो भी हो हम लोग जा रहे हैं अभी डैम के तरफ। फिर जाने के टाइम देखें इधर पिकनिक हो रहा है, कितना लोग खाना भी खा रहे हैं। तो उधर से हम गए डैम के तरफ, सब लोग बोल रहे हैं ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 5 से 7 मिनट के अंदर ही डैम मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखती हूँ, कभी हम लोग इस तरफ आए नहीं है
तो डैम जब है और मतलब वाटरफॉल जब है इधर, तो जाते हम वाटरफॉल के तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आके वाटरफॉल के तरफ, इतना सुंदर लग रहा है दिखने में। ये तो मैं नजदीक से दिखा रही हूँ, मैं जूम करके दिखाऊंगी वाटरफॉल। वो देखिए ऊपर की तरफ है, बहुत ऊपर है फ्रेंड्स पहाड़। तो पहाड़ के ऊपर से पानी धीरे धीरे करके गिर रहा है, जंगल के अंदर से इस तरफ आ रहे। तो पहाड़ के ऊपर तो हम जा नहीं पाएंगे, तो जहाँ सब लोग हैं उधर हम लोग भी हैं। इधर बहुत बच्चे नहा रहे, गाना गा रहे, इधर भी पिकनिक मना रहे फ्रेंड्स। तो हम सभी मेंबर को बहुत भूख लग गए, तो मैं बोल रही हूँ इधर ही हम लोग खाना खा लेते हैं। तो जहाँ और एक जगह ना भुट्टा छेक मतलब भुट्टा सेकाई हो रहा था, तो एक भाई को मैं बोली इधर हम खाना खाए, बोले हाँ दीदी इधर खा लो। वो देखो दो भाई मिलके इधर भुट्टा का बिजनेस कर रहे, तो इधर भी एक एक भुट्टा 30 रुपये करके, इधर से मैंने दो भुट्टे लिए 50 रुपये दे के। और हम सभी मेंबर अभी खा रहे खिचड़ी, पापड़, बैंगन फ्राई और है मिक्सचर। खाना खाने के बाद उधर से हम लोग आ गए और एक मंदिर, और ये है गजानन महाराज का मंदिर। अभी हम आ पहुंचे गजानन महाराज का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, एकदम त्र्यंबकेश्वर मंदिर का साइड में ही है। तो वाटरफॉल से हम लोग डायरेक्ट आ गए त्र्यंबकेश्वर का पास, गजानन महाराज का मंदिर। हमें पहले ही आना था, लेकिन हम सोचे पहले वाटरफॉल जाते फिर इधर जाने, घर जाने के टाइम इधर भी हम लोग घूम के ले मतलब घूम लेंगे। तो आ गए मंदिर के तरफ फ्रेंड्स। मंदिर देखिए बहुत सुंदर है, सबसे जो बड़ी बात है पूरा साफ सुथरा है, और इधर मंदिर के अंदर ना बात करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। देख लीजिए फ्रेंड्स कितना सुंदर साफ करके मंदिर को ऑल टाइम रखते हैं। और मंदिर के पूरा मंदिर ना पत्थर से बना हुआ है, चारों तरफ मूर्तियां वगैरह है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे मन को बहुत शांति मिलता है फ्रेंड्स। तो ऐसा करके मैं पूरा मंदिर तो दिखा नहीं पाऊंगी, जितना हो सके उतना मैं दिखा रही हूँ। बहुत बड़ा एरिया है, इधर रहने का खाने का अलग अलग व्यवस्था भी है। और मंदिर के अंदर का जो फोटो है वो भी मैं दिखा देती हूँ, जो जगह है वो है गजानन महाराज। वो दूर में दिखाई में दे रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो मैं दूर से मैं दिखाती हूँ। इधर ज़्यादा टाइम हम नहीं बैठे, थोड़ा टाइम बैठने के बाद हम लोग निकल गए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया और बारिश तो हो रहा है, बंद हो रहा है, हो रहा है, बंद हो रहा है। अभी हम जाएंगे दूसरा तरफ। तो गजानन महाराज का मंदिर के इधर के भी मैं थोड़ा सा घुमा के देखा दिखा देती हूँ, अगर मन किया कभी इधर आने के लिए फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन भी टिकट है वो भी बुक कर सकते हैं। तो मंदिर के उधर से हम लोग अभी आ गए सोमेश्वर मंदिर, थोड़ा दूर पे है फ्रेंड्स। तो सोमेश्वर मंदिर आने के बाद अभी इधर मेला चल रहा है। पहले ऊँट के ऊपर बैठ के मतलब कैमल राइडिंग हो रहा है, मेहंदी लगाने के लिए रास्ते के दो तरफ दीदी लोग बैठे हैं, जंपिंग की जगह है, फिर उधर बहुत कुछ है। चलिए एक एक करके मैं दिखाती हूँ। सोमेश्वर मंदिर में आने के बाद हम लोग डायरेक्ट तो मंदिर के पास नहीं जा पाते फ्रेंड्स, थोड़ा सा दूर पे है। तो चलते चलते दोनों साइड पे कितना सारा दुकान वगैरह है, मेला भी लगा हुआ है, फूल प्रसाद सबका दुकान है। तो घुमा घुमा के मैं आप सबको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। और इधर से एक टोकरी भी लेना है, तो पहले मंदिर के आसपास पूरा घुमा के दिखा देती हूँ, उसके बाद पूजा मतलब भगवान को पूजा करने के लिए टोकरी भी लेके जाती हूँ। और ये देखिए इधर भी लाइन है, लेकिन ज़्यादा लाइन नहीं है, थोड़ा सा है, आधा घंटे के अंदर हो ही जाएगा तो भगवान का दर्शन। तो पहले मैं पूरा आप सबको घुमा के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा वातावरण है इधर, बहुत कुछ है, बच्चों का खेलने का चीज़ है, और खरीदने का इतना सारा सामान तो नहीं है, लेकिन बच्चों का चीज़ हर जगह मिलेगा। इधर पार्क भी है छोटा सा, एक टॉय ट्रेन है, और सबसे जो बड़ी बात है भुट्टा बारिश का टाइम नासिक में हर जगह मिलेगा। भुट्टा देख के खाने का मन कर रहा है ना फ्रेंड्स, मुझे ना दूर से लग रहा था ठंडा का बोतल है इधर, वो होता है ना मैंगो का बोतल वैसे ही। तो मेरे दादा को पूछा दादा भुट्टा कैसे दे, बोले 30 रुपये करके।
तो अभी तो मेरे पास फिलहाल दो भुट्टा है, उधर तो मैंने लिया 50 रुपए में दो, लेकिन और एक भुट्टा लेना है क्योंकि गरम गरम सेकाई करके दे रहे हैं, लेकिन अभी नहीं लूँगी, जाने के टाइम लूँगी। तो पूजा वगैरह देना हो गया। अभी ये देखिए टॉय ट्रेन, बच्चे का टॉय ट्रेन, लेकिन एज बहुत छोटे बच्चे का है इसीलिए मेरे दोनों बच्चे ने ना जिद नहीं किया। और बारिश का टाइम है बोल के गोदावरी का जो पानी है फ्रेंड्स देख लीजिए कितना भरा हुआ है, पूरा जाने में भी डर लग रहा है, इसीलिए ना मैं ऊपर से आप सबको दिखा रही हूँ। नीचे की तरफ बहुत भीड़ है, इधर का जो सीढ़िया है ना बहुत खराई टाइप का है, मतलब स्मूथ नहीं है। अभी बच गए शाम का 6:30, तो हम तीनों दिनभर का चाय पीने के लिए बहुत मन हो रहा था, तो शोभेश्वर के उधर ही भी चाय का दुकान है, उधर हम चले गए चाय पीने के लिए। थोड़ा थोड़ा ही चाय है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है, तो एक एक ग्लास ले 10 रुपये करके। फिर उधर से सब दर्शन वगैरह हो गया, चाय पीना हो गया, अभी हम कहाँ जाएंगे, मेला घूमने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स बार बार आना होता नहीं है, छुट्टी नहीं मिलता है, संडे का दिन मिला है एक, मम्मी पापा थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे, तो सोची आज जब संडे है तो पूरा सुबह से लेकर रात तक मैं पूरा दिन भर मम्मी पापा के साथ थोड़ा घूमूंगी, उन दोनों को भी नासिक का जितना सारा जगह है छोटा छोटा जगह में दिखा देती हूँ। और ये जो मेला हम लोग अभी जा रहे हैं ना, ये है डोमरे बस्ती का मेला, पूरा साल कुछ ना कुछ मेला लगा ही रहता है फ्रेंड्स, और अच्छा हुआ आज मेला है और आज मेला का पहला दिन है, इसीलिए ना बहुत सारा चीज़ को दिखने के लिए नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, लेकिन जितना सारा हो सके रहेगा मेले के अंदर, मैं आप सबको घुमा घुमा के दिखा देती हूँ। तो मेला का एकदम एकदम एंट्री में एक साइड में ऐसा घर का जो डिज़ाइन करने के लिए, घर में डेकोरेशन करने के लिए, घर का सामने का मतलब दरवाजे के सामने रखता है ना, ये सब सब कुछ इधर मिलता है, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन बार्गेनिंग करके खरीदना पड़ता है फ्रेंड्स, लेकिन घर डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है ये सभी चीज़। तो उधर से हमने कुछ नहीं लिया, फिर आ गए हम लोग बुक खरीदने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चों का बुक लगेगा, बुक चाहिए। तो इधर एक मेला के अंदर ही बुक सेल के लिए भी एक दुकान ओपन हुआ है, तो हम लोग उधर गए बुक खरीदने के लिए, बहुत टाइम इधर गए फ्रेंड्स, 1 घंटे के आसपास इधर ही चले गए, तो एटलीस्ट एक बुक हम लोगों ने लिया। फिर उधर से हम लोग निकल गए, निकलने के बाद मेले का और एक साइड में ये सब जो चीना मिट्टी का सामान है ना, फूल फ्लावर वास का प्लेट, बहुत सारा चीज़ है उधर, जस्ट अभी लगा हुआ है, डेकोरेशन कर रहे हैं क्योंकि आज ही पहला दिन है, धीरे धीरे करके हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेला ना बहुत दिन तक चलता है। तो चलिए आगे क्या क्या है वो भी आप सबको दिखाती हूँ। और मेले के अंदर से मैंने खरीदा मेरे लिए एक गले का हार और एक स्टॉल, और मम्मी ने लिया रोटी पराठा बनाने के ऊपर उसके ऊपर जो घी लगाते हैं ना, एक ब्रश टेप का रहता है एक ब्रश। मेला बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, लेकिन आज तो बहुत सारा सामान है नहीं, अभी भी बहुत सारा दुकान बंद है, मतलब अभी भी चालू नहीं हुआ, कुछ दिन लगेगा पूरा मेला शुरू होने के लिए, फिर बाद में जब मैं आऊँगी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी मेला घूमने के बाद हम लोग आ गए पिज्ज़ा ब्रास्ट, क्योंकि डोमरे बस्ती के एकदम नज़दीकी है, गंगापुर रोड में ही पिज्ज़ा ब्रास्ट, बहुत बार मेरे आए, हम पूरा फैमिली आए, लेकिन पहली बार मैं मम्मी पापा को ज़बरदस्ती लेके आई। मेरे मम्मी को ये सब चीज़ खाने का बिल्कुल मन नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैं बोले आज तो आप दोनों को खाना ही खाना है, तो नसीब अच्छा है भीड़ आज अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 बजने को आ गए, तो इसके बाद से लाइन चालू हो जाएगा, तो हम लोग जाएंगे फटाफट पिज्ज़ा ब्रस्ट के ऊपर के तरफ, क्योंकि नीचे है सागर स्वीट और ऊपर है पिज्ज़ा ब्रस्ट। पिज्ज़ा ब्रस्ट में 22 टाइप के स्टेटर्स, उसके साथ है अनलिमिटेड
पिज्जा और स्टेटस भी अनलिमिटेड है, सेफ आइसक्रीम मेयोनीज और ब्राउनी लिमिटेड है, मतलब एक बार करके मिलेगा। तो जो भी हो, हम लोगों का खाना भी स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। तो आशा रखती हूँ आज का ब्लॉग जरूर आप सबको अच्छा लगेगा। मेरे ब्लॉग मेरे चैनल अच्छे लगे तो प्लीज फ्रेंड्स एक लाइक कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगे तो कॉमेंट्स में लिखना, ज़्यादा अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना। और सबसे जो बड़ी बात है, आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। और जितना सारा नया फ्रेंड्स है, एक लाइक तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अरे देखिए स्टेटस का नाम सबका कंप्लीट हो गया, पिज्ज़ा आना भी शुरू हो गया। आज तो मैं बहुत पिज्ज़ा खाऊंगी क्योंकि बहुत दिन के बाद आई, कम से कम एक महीने के बाद हम लोग आए पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज मेरा ब्लॉग में इधर ही एंडिंग कर रही हूँ। हम लोगों का बिलिंग भी हो गया, अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। फिर मिलती हूँ कल का नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते फ्रेंड्स, नमस्ते।